हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीला। आज की जो हमारी रेसिपी है वो प्रसाद की रेसिपी है, जो कि माता रानी को चढ़ाया जाता है ज़्यादातर अष्टमी और नवमी के दिन, और इसका हम कन्या भोज भी कराते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये जो रेसिपी, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये काले चने, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है 3 सीटी लगाकर, क्योंकि हमें ये प्रसाद है काले चने का ही बनाना है। अब हम ये जो चने हैं इनको हम साइड में रखेंगे, और एक दूसरा बाउल लेंगे अब हम, और इस बाउल में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, और भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों को आपस में, और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो सारे मसाले अच्छे से फूल जाए पानी में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1/2 चम्मच के करीब। इसके बाद जो हमने अपना मसाला तैयार किया था उसको अब इसमें ऐड करेंगे हम, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए। तो जो हमारा मसाला है वो भूनना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला भून चुका है हमारा। अब हम इसमें अपने बॉयल किए हुए चने जो हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चने 1 कप लिए थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, और अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं हमारे जो चने हैं वो बनके तैयार हैं। अच्छे से हमारे चने जो हैं वो मसाले में भुन गए हैं, तो हमारे चने रेडी हो चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो एक पैन में हम ऐड करेंगे 1/4 कप घी, और घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हमें भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना जो सूजी है वो जल जाएगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो सूजी है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूने। तो हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं इसमें झाग आ गया है, और हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितनी हमने सूजी ऐड की है उसका हम 3 गुना पानी ऐड करेंगे, यानी कि 1/2 कप सूजी में हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप अच्छे से जो सूजी है वो फूल गई है। अब एक बार और इसको हम चला लेंगे इस तरीके से। बहुत टेस्टी प्रसाद लगता है ये जो प्रसाद बना रहे हैं हम, ये ज़्यादातर अष्टमी और नवमी के दिन बनाया जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी इलायची, जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, बादाम 5 से 6, काजू 8 से 10। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम किशमिश, 15 से 20 किशमिश ले लेंगे हम, और थोड़ा सा केसर, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था 5 मिनट के लिए,
और लास्ट में हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम लिड हटाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है वो परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है हमारे हलवे का, आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार हलवा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं हलवे को। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में हलवे को सर्व कर लेती हूँ। जितना ज़्यादा आप सूजी को भूनेंगे उतना अच्छा हलवे का टेस्ट आएगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सूजी अच्छे से भुन जाए। और थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम से। इसके बाद हम अपने जो चना हमने तैयार किया था उसको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो नवरात्रि का प्रसाद है माता रानी को चढ़ाने वाला बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। और ये चना है जो बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं। हलवा भी हमारा बहुत टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।